Welcome to SJ Inceptions, your Aquarium channel. I am at Khargar in Navi Mumbai, and today, after a long time, I am going to cover the Urban Aquatics and Fisheries shop. इनके पास बहुत सारे खूबसूरत attractive fish varieties आई हुई है, exotic stock आया हुआ है. So stay tuned till the end of the video. So अब हमारे साथ है Urban Aquatics के owners. Here is Mr. Aniket. Hi Aniket भाई, कैसे हो आप? नमस्ते भाई, सब बढ़िया. आप कैसे हो? बहुत बढ़िया. तो अनिकेत भाई, बहुत टाइम के बाद आपके शॉप में आया हूँ और इस बार तो बहुत ज़्यादा स्टॉक दिख रहा है, क्वांटिटी भी और वैरायटीज भी. तो ये बताना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को एट प्रेजेंट क्या क्या स्टॉक अवेलेबल है और आपके शॉप की खासियत क्या है, क्यों कस्टमर्स आपके शॉप में आने चाहिए. ओवर टू यू भाई. अर्बन एक्वेटिक्स दो चीज़ों के लिए ज़्यादा करके स्पेसिफिक फोकस करता है. एक तो लोकल से लोकल स्टॉक भी हम लोग रखें और इम्पोर्टेड स्टॉक भी रखें उसके बाद, और आपको क्वालिटी फिशेस दे, ये अपना अर्बन एक्वेटिक्स का मेन मोटिव है. ऑलराइट, आपका कॉन्टैक्ट नंबर बताना चाहेंगे? 7400437777. ऑलराइट, डिलीवरी क्या पॉसिबल है ऑल ओवर इंडिया? यस, ऑल ओवर इंडिया पॉसिबल है बाई ट्रेन, फ्लाइट और बस. अगर नवी मुंबई या मुंबई के हॉबिस्ट आपके शॉप में आना चाहिए तो क्या शॉप टाइमिंग्स है? 11 to 9. ओके, खारघर में कहाँ लोकेटेड है? ये खारघर में सेक्टर 27 रांजनपाड़ा में लोकेटेड है, प्लॉट नंबर 49. मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि सिल्वर अरवाना का स्पेसिफिकली हम लोग 150 प्लस स्टॉक अवेलेबल है. वो हम लोग होलसेल भी कर रहे हैं एंड एज वेल एज रिटेल भी कर रहे हैं, तो दोनों के लिए अप है. All right, Aniket bhai, I'm very excited to cover your shop once again. With your consent, can we please proceed forward? Yes, bhai. Thank you. So here is the first fish at the Urban Aquatics. बेहद हाई ग्रेड की और सुपीरियर क्वालिटी की एशियन अरवाना इनके पास आई है. हमको बताएंगे इसके बारे में मिस्टर अनिकेत. तो भाई बहुत सुपीरियर दिख रही है ये एशियन अरवाना. सबसे पहले तो नाम जानना चाहूँगा इसका, कौन सी एशियन है ये? भाई ये मेटेलिक सुपर रेड है. ओ, ये पीटी डिनामिका फार्म की है. ओके, अराउंड साइज होगा अराउंड ये 12 इंचेस के अराउंड होगा, 11 to 12 inches. इनमें क्या फीचर्स होती है, कैसा अपीयरेंस होता है वो बताएंगे? ये जो आपकी स्केल्स देख रहे हो ये पूरे मेटेलिक शाइन में दिख रहा है आपको. अच्छा, ये इसका खूबसूरती रहता है मेटेलिक का. क्या साइज है इसकी एट प्रेजेंट? 11 to 12 inches. और क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और भी बड़ी होगी तब? और भी स्केल्स, जैसे अभी इसको टैनिंग बिल्कुल भी नहीं करा हुआ है. अच्छा, ये जो दिख रहा है आपको ये पूरा बेस कलर में ही है अभी जी. ये और भी रेड होते जाएगी मच्छी. आपका स्केल्स देख रहे हो तो उसके बॉर्डर पे अभी भी रेड आना चालू हो गया. Here is another stunning arowana at Urban Aquatics and look at the scales transformation and overall fish quality, overall transformation. So ये सारे selective arowanas Aniket भाई लेकर आए हैं. So अगर आपको इसमें से कोई भी पसंद आती है तो डू कॉन्टैक्ट हिम बिफोर दे गेट सोल्ड आउट. तो इसके बारे में बताइए कौन सी अरवाना है, क्या साइज है इसकी? ये भी सुपर रेड अरवाना है. वो ये है पीटी डेरिस्टो फार्म का है. ओके, ये इसका साइज अराउंड 13 to 14 inches का है. ओके, और ये भी बिल्कुल भी अभी तक टैनिंग नहीं है. इसके चिक्स वगैरह आप देखोगे तो अभी से ही रेडनेस है उसमें जी. लुक एट द स्केल्स हाउ दे आर शाइनिंग. सारे बॉर्डर्स जो है स्केल के, आई विल गो लिटिल क्लोजर, मैं जूम करता हूँ ताकि आपको पूरी तरह से साफ पता चले. स्केल्स देखिए कितने ट्रांसफॉर्म्ड है. सो आप ये जो अरवाना हमको दिखा रहे हो ये नॉर्मल वाइट लाइट में? ये नॉर्मल वाइट. ओके, सो बिना किसी भी तरीके की LED या डार्क टैनिंग लाइट्स का प्रयोग किए बिना ये जो हमको इसके दृश्य दिखाई दे रहे हैं ये नॉर्मल लाइट में, राइट? राइट. ओके, सो अगर कोई मान लीजिए बहुत ही हाई फाई LED लाइट लगाता है तो ये और उठ के दिखेंगे इसके स्केल्स और ओवरऑल बॉडी कलर. बराबर बराबर. ओके, ये और भी उठ के दिखता है, रेड कलर डालोगे तो रेड, बहुत ज़्यादा रेड दिखता है. ओके, हियर इज द थर्ड एशियन अरवाना एट अर्बन एक्वेटिक्स. दिस इज ऑल्सो वेरी अट्रैक्टिव. तो इसके बारे में बताइए अनिकेत भाई हमको. ये भी सुपर रेड है जो हम अभी तीनों कलेक्शन जो दिखा रहे हैं ये सुपर रेड का ही है, बट ये नॉट फॉर सेल है. अभी सेल के लिए अप नहीं है ये, क्योंकि अब इसका टेल देख सकते हो थोड़ा सा डैमेज है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज होना बहुत कॉमन बात है अरवानाज में.
वो डैमेज ठीक होने के बाद ये नॉर्मली कवर हो जाता है 7 to 10 days में, तो ये आप प्री बुकिंग में आप ले सकते हो। ओके, तो आप इसको तभी सेल करोगे जब ये पूरी तरह से कम्प्लीटली पूरा जब कवर्ड हो जाएगा तभी सेल होगा ये फिश। ऑलराइट, सो ये एक बहुत बड़ी टैंक है इनके पास, और इसके अंदर द मोस्ट कॉमन द मोस्ट पॉपुलर अरवाना से, कौन से अरवाना से अनिकेत भाई? ये सिल्वर अरवाना है, ये अराउंड 5 to 5.5 inches के वेरिएशंस में है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपके पास इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो डिवाइड करके रखे आपने अलग अलग टैंक्स में? हाँ, ये अभी टोटल 3 टैंक में डिवाइडेड है, जिसमें कुछ अराउंड 50 पीस देखने को रहेंगे, और भी बाकी का स्टॉक आगे दिखा देंगे तीनों। अच्छा, और इनको फीडिंग क्या कराते हो आप? अभी हम लोग इनको लाइव भी खिला रहे हैं जी, और फ्रोजन भी खिला रहे हैं। ओके, तो आउट ऑफ मुंबई, आउट ऑफ स्टेट से किसी को अगर एक भी सिल्वर अरवाना चाहिए तो वो भी मिल जाएगी? हाँ, तो भी मिल जाएगी, बट डिलीवरी चार्जेस वुड बी एक्स्ट्रा। ओके, ऑलराइट, अगर आप ईच एंड एवरी सिल्वर अरवाना देखोगे तो इतनी क्वांटिटी के बावजूद भी ना किसी के ऊपर स्केल कट है या ना किसी पे फिन कट है, तो इनको बहुत ही अच्छी तरह से रखा गया है। एंड इवन इफ यू कैन वॉच द टैंक साइज, बहुत बड़े स्पेशियस टैंक में इनको रखा है, इसकी ब्रेथ और हाइट भी काफ़ी अच्छी है, तो इसलिए हमको ईच एंड एवरी अरवाना बहुत हेल्दी और एक्टिव दिखाई दे रही है। एज यू कैन सी, नन ऑफ द अरवाना इज सिटिंग और अंडर स्ट्रेस। तो अगर आप ऐसे सोर्स से अरवाना परचेस करोगे तो डेफिनेटली आपकी अरवाना बड़ी होगी, सुंदर दिखेगी। सो लुक एट दिस टैंक स्टॉक्ड विद ब्राइट एंड ब्यूटीफुल सिल्वर अरवानास, एंड बिकॉज दिस इज़ अ ब्लैक बैकग्राउंड टैंक, तो अरवानास की ब्यूटी और भी दुगनी दिख रही है हमको। एंड इवन इन दिस टैंक एज यू कैन सी, ईच एंड एवरी अरवाना इज सो हेल्दी एंड अट्रैक्टिव। सो इनकी भी साइज सेम है? हाँ, सेम। ओके, नाउ विल शो यू द थर्ड टैंक। यह है तीसरी टैंक स्टॉक्ड विद सिल्वर अरवानास, और इनकी क्वांटिटी आप देखिए इस टैंक में कितनी है, फिर भी बहुत अच्छे से सेट हो चुके हैं टैंक में। तो अब हम आपको दिखा रहे कोई फिश एट अर्बन एक्वेटिक्स, और ये नॉर्मल कोइस नहीं है, क्योंकि आप इनके कलर्स देख सकते हो, सारे बेहद प्लीजिंग हैं और बहुत प्रोमिनेंट है। ये कौन से कोइस है आपके पास? ये जापनीज कोई है। क्या साइज के हैं? 9 to 10 inches के हैं। ये सारे मल्टी कलर कोइस हैं। हाँ। सो इनके शॉप में एट प्रेजेंट अवेलेबल है एक बेहद ह्यूज साइज की कोई फिश, एंड इसका कलर बेहद आई प्लीजिंग है, अट्रैक्टिव है, और अनिकेत भाई हमको इसके बारे में फर्दर जानकारी बताएंगे जी। ये कंफर्म फीमेल कोई है, एग लेइंग है। अच्छा, इसने एग्स ले करे थे पहले, ठीक है, अभी अगर कोई ब्रीडर को या कोई हॉबिस्ट को अगर चाहिए रहेगा तो वो ले सकता है ये फिश जी। इसका साइज अराउंड 15 इंचेस के प्लस है साइज। सो नाउ वी आर शोइंग यू अ ग्रेसफुल मॉन्स्टर फिश व्हिच इज वेरी एक्टिव एंड काफी अच्छी साइज भी है इसकी। कौन सी फिश है ये? ये टेमेंसिस है, एक और बार टेमेंसिस। क्या साइज की रहेगी? ये अराउंड 14 टू 15 इंचेस है। ओ, एंड काफी अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म भी हो गई है ये। लुक एट द पैटर्न, और भी ग्रो, ये वाइब्रेंट होते जाएंगे। ओ ओके, क्या फीडिंग देते हो इसको आप? लाइव फीडर देते हो। ओके, और बड़ी होगी? बहुत बड़ी होगी, ये बिग बॉस में सबसे बड़ी होने वाली वैरायटी है। ओ, यह एक टेट्रा फिश वैरायटी, बट इनकी साइज बहुत ही विशाल है, एंड इवन द कलर्स दे आर सो डैम प्रिटी। ये वाले कौन से टेट्रा फिश की वैरायटी है? ये कॉन्गो टेट्रा है। ओ, ये फुल साइज में है। ओके, फुल एडल्ट साइज रीच्ड है। ओके, ये आपको बहुत ही कम जगह पे ये साइज देखने मिल जाएगा। यस, सीरियसली, एक्चुअली में बेहद बड़े साइज में है, एंड इवन ये अपने एक्चुअल ट्रांसफॉर्म रूप में इनके पास दिखाई दे रहे हैं, वो भी बिना किसी प्लांट्स के ऐड किए। तो अगर आप इनको लाइव नेचुरल प्लांट्स में ऐड करोगे तो
तो इनकी ब्यूटी और भी ट्रांसफॉर्म्ड होगी। राइट। ये आपके सामने ऑस्कर्स कौन से टाइप्स हैं इसके अंदर? टाइगर एंड अल्बिनो ऑस्कर्स हैं। क्या साइज के हैं एट प्रेजेंट? ये 2.5 टू 3 इंचेस हैं। Here is a cichlid tank with different types of attractive cichlids. सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। इसको बहुत अच्छी तरह से कर्व आया हेड के ऊपर। कौन सी cichlid है ये वाली? ये डॉल्फिन cichlid है। वाओ। और इसके अलावा कौन से cichlids हैं? इसमें अभी जो येलो है वो बनाना cichlid है जी। फिर इसमें स्ट्रॉबेरी है, ग्रीन टेरर है। फाइव कलर्स भी है। ये देखिए कितने वाइब्रेंट कलर्स शो कर रहे हैं। Look at the pattern on the mouth and highlighted borders on the dorsal fin. यहाँ पर एक गुरामी फिश की वैरायटी है जो बेहद कम देखने को मिलती है। क्या नाम है इसका? ये मूनलाइट, ये पर्ल्स के गुरामी है। ओके। और उसमें दूसरी वैरायटी भी है, मूनलाइट गुरामी। ये है ऊपर वाली मूनलाइट गुरामी जो कम दिखाई देती है। ओ, काफ़ी सेट पैर से। और कुछ कुछ बेहद ब्राइट और अट्रैक्टिव दिख रहे। क्या वो मेल्स है? यस राइट, वो मेल्स है और उसमें फीमेल्स भी है। ये एडल्ट साइज में है। So here you can watch the schooling of this colorful tetras. ये होते हैं बेहद attractive fishes. कौन से वाले tetras है ये? Colored widow है ये। Colored widow tetras है। कौन से color options है आपके पास? Yellow है, fluorescent है, pink है, red है। तो अर्बन एक्वेटिक्स में बहुत सारी ब्यूटीफुल फैंसी गप्पीज आए हैं, बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज़ के। तो अनिकेत भाई कौन सी गप्पीज है यहाँ पर? इसमें भाई गोल्ड है, वाइट है, फिर बाद में प्लैटिनम है, टक्सीडो है और स्नेक स्किन है। ओके। तो ये सिर्फ हम लोग डिस्प्ले पर्पस के लिए इस टैंक में दिखा रहे हैं, अदरवाइज इनको बड़े टैंक में रखा गया है ताकि आपको इनके पैटर्न और कलर्स ठीक से दिखाई पड़े। ये देखिए सारे काफ़ी वेल सेट हैं एंड वेरी अट्रैक्टिव है। तो अभी एट प्रेजेंट कितने वैरायटीज है आपके पास? पांच वैरायटीज। इस टैंक में एक चुलबुली मॉन्स्टर कैटफिश की वैरायटी है। क्या नाम है इनका? ये रेडटेल कैटफिश है। क्या साइज के हैं? ये अराउंड 2.5 टू 3 इंचेस के आसपास। इनको क्या फीडिंग देते हो आप इतने साइज में? ये फ्रोजन है। लुक हाउ टाइनी इट इज एंड वन डे इट विल ग्रो टू अ वेरी ह्यूज साइज। कितने बढ़ते हैं ये? ये अराउंड 6 टू 7 फीट। यहाँ पे बाफ फिश में बेहद कॉमन देखने वाली वैरायटी कौन सी है ये? ये टाइगर बाफ है। सो विल गो डाउन। यहाँ पर एंजल्स है बहुत सारे। कौन से वैरायटीज के ये? इसमें जेड ब्लैक एंजल है, मार्बल एंजल है और स्टार एंजल है। एंड नीचे कौन से कोइज है? ये इसमें मिक्स है, जापानीज भी है और नॉर्मल कोइज भी है। ये शायद से कुबोतो कोई है। ये इस कुबोतो कोई है।
सो इस टैंक में है फैंसी गोल्डफिश। कौन से गोल्डफिश है ये? ये ओरांडा गोल्डफिश है। क्या साइज के हैं? 2.5 इंच। Here is a new tank setup at Urban Aquatics। इसके अंदर आपको कई सारे exotic fish varieties देखने को मिलेगी और ये tank बेहद बड़े size की भी है। तो हम सबसे पहले इसके अंदर जो सबसे बड़ी size की fish है उसके बारे में जान लेते हैं। ये वाली कौन सी है? ये giant gourami है। इसका size around 10 inches, 10 to 12 inches के लिए है और इसका देखिए hump अभी grow हो रहा है। Yes, ये वाली? ये entity है। ओके, नॉर्थ थाईलैंड डेटनॉइड। यस। ओ देन ये चमकीले? ये सब टिन फॉइल बार्ब्स है। इसमें एल्बिनो भी है और नॉर्मल टिन फॉइल है। ओके देन ये येलो पैरेट है? यस। ये कैटफिश? ये कैटफिश है, अपसाइड डाउन कैटफिश। ओके देन आगे जाएंगे, ये डॉलर्स? डॉलर्स, सिल्वर डॉलर्स। तो अगर किसी को ऐसी टैंक सेटअप बनानी है तो आपके तरफ से वो भी हो जाता है? यस, हम वो बना के देते हैं। ग्रेट। सो इसके बारे में बताइए, कौन सा एक्वेरियम प्रोडक्ट अनिकेत भाई आया आपके पास? ये ड्राई सेक्शन में है अपने। तो ये फिश बेटा फिश के लिए जो नॉर्मल हम लोग चेंज का बाउल रखते हैं जी, तो उसके लिए ये रिप्लेसमेंट है। वाओ। जो बड़ा स्पेस देना चाहते हैं अपने बेटा फिशेस के लिए, उनके लिए ही अराउंड 12 इंचेस का बहुत बड़ा स्पेस है और इसको आप हैंग कर सकते हो। ये देखिए पीछे हैंगिंग के लिए भी दिया हुआ है एंड बहुत अलग ही लुक आएगा अगर इसको आप हैंग पर वॉल करोगे, अंदर बेटा फिश छोड़ोगे। बहुत स्पेशियस भी है। सो आई जस्ट कवर्ड द अर्बन एक्वेटिक्स एंड फिशरीज शॉप। हमने बहुत सारी एक्जॉटिक फिश वराइटीज दिखाई। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द थम्स अप बटन एंड स्टे ट्यून्ड टू वॉच सम मोर अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस कमिंग सून ऑन एसजे इंसेप्शंस। आपको इनके शॉप का कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के शुरू में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अलॉन्ग विद द एड्रेस ऑफ दिस शॉप। हैप्पी फिश कीपिंग एंड हैव वंडरफुल डे अहेड।